बहुत ज्यादा हो रही है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देखिए अभी अभी मैंने अपना रेनकोट उतारा है। चलो, अरे ये भी तो लेना है। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। और आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं चिकमंगलूर से और जा रहे हैं मुल्यानगिरी पीक। और मैं रुका हूँ अपने फ्रेंड मनीष के पास। यार मेरी जो पैंट है ना वो नीचे उतरे जा रही है। ओह माय गॉड, थोड़ा थोड़ा जो वेट है अब कम हो रहा है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअली एक दो इंच घट चुका है। और जो राइडिंग पैंट है भाई साहब वो तो नीचे सरक रही है अब। और जो मनीष का अपार्टमेंट है वो है तीसरी मंजिल पे। तो भाई अब ये समझो कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरी पैंट बिल्कुल निकलने वाली है। हाँ, वेट, दोज आर द बाइक्स, वन रॉयल एनफील्ड 350 एंड डोमिनार। इट्स ऑल रेडी, चले लेट्स रॉक। तो दोस्तों चिकमंगलूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ऑलमोस्ट पूरे साल ना बारिश होती रहती है और सेम सीन मेरे साथ भी चल रहा है। तो मुझे जो गोप्रो का माइक अडेप्टर है वो बार बार हटाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है। वाओ, विच लेक इज दिस? जगह है तो यार मजा किरकिरा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ना हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। GoPro से ही लेते हैं जो भी लेना हो। टाइम लैप्स लेने के लिए भी यार घुसेगा। So if it was other days, no? So that top is the Mullangiri Peak. Oh. It's covered fully in the clouds now. Oh my God. तो मनीष भाई बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी इतना क्लाउड है कि मुल्यानगिरी पीक्स दिख ही नहीं रहा है। रोड काफ़ी पतला है और बहुत सारे टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं मुल्यानगिरी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। व्हाट हैपेंड? ओह माय गॉड, इधर देखिए जगह जगह से झरने निकल रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग? रोड काफ़ी पतला है, दो गाड़ियों को निकलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। वाओ, वेदर इज टू गुड मैन, लुक एट दैट माउंटेन क्लाउड। बाइकर्स तो सामने से बाइकर्स आ रहे हैं।
निकल रहे हैं मुलियान गिरी की तरफ। एंड लुक एट दिस प्लेस, यहाँ पर एक मंदिर नजर आया है। सो ये एक प्रॉपर हिल स्टेशन है मुलियान गिरी, तो मेरे ख्याल से कर्नाटक का पूरा कर्नाटक उठ के आया हुआ होगा यहाँ पर। वीकेंड है। यस ओ मेरे भाई चल, मेरे भाई चल यार, ओ माय गॉड लुक एट द रोड, बहुत ही गंदा रोड है यार। रोड की तो अच्छे तरीके से वाट लगी हुई है यहाँ पर, और हम चला रहे हैं अपनी डोमिनार मुलियान गिरी की तरफ। बहुत सारे बाइकर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो जगह जगह बाइकर्स देखने को मिले, सारे कर्नाटका से हैं मेरे ख्याल से। लग गई है वाट, लग गई है वाट। मुझे नहीं लगता कि जो मुलियान गिरी का पीक है हमें नज़र आने वाला है, फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं। आई थिंक कि हम पहुंच गए हैं मुलियान गिरी पीक पर। नजर तो कुछ नहीं आ रहा, नजर कुछ नहीं आ रहा। ओके, क्या गजब ही हवा की आवाज आ रही है। मुलियान गिरी गए थे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए अभी अभी मैंने अपना रेनकोट उतारा है, और फॉग मेरे पीछे देखिए आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक मिनट यार मैं आगे जाता हूँ तो आपको मेरी शक्ल भी नज़र आएगी थोड़ी सी। और आधा एक घंटे से ऊपर हो गया है हम बैठे हुए हैं, क्या नाम है इस हिल टॉप ना, ये देखिए पीछे हिल टॉप कैंटीन में, तो टाइम किल कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आगे जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बाबा मुदिनगिरी, मुदिनगिरी ना, तो बाबा मुदिनगिरी भी नहीं जा रहे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है और रेन भी हो रही है, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं दिखना। मुलियान गिरी में भी कुछ नज़र नहीं आया, इतना फॉग था। तो थोड़ा बहुत वीडियो तो आपने देख ही लिया, जो स्ट्रगल थी मेरी ऊपर चढ़ने की, ऊपर गया वापसी आया और बस चल रहा है। और चिकमंगलूर एन्जॉय कर रहे हैं रेन के साथ, बस थोड़ा सा मलाल रहेगा ये कि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है जिससे कि मैं व्लॉग सही से नहीं कर पा रहा। ठीक है चलो जो भी है, अब क्या प्लान है, बैक टू चिकमंगलूर। तो चलिए चिकमंगलूर चलते हैं, और शाम को कहाँ पर जा रहे हैं हम, राइडर्स नेस्ट कैफे, राइडर्स नेस्ट कैफे में, तो वहाँ का जो माहौल होगा आपको दिखाएंगे। सो गाइस आप मनीष से तो मिल ही चुके हैं, बाकी दो फ्रेंड्स और आए हैं, जी सामीरा दिव्या, दिव्या। तो यार इन्होंने कुछ मंगाया है यहाँ पर, नाम मुझे पता नहीं है, वैसे लग पिज्जा रहा है, कौन सा है, बारबेक्यू मशरूम, बारबेक्यू मशरूम।
यस 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 यस।